हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों लकड़ी, उसके बाद लिखा है मेज दरवाजा, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न देखिए, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, जो देखते हैं आंसर कर लेंगे। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर अभी जो चल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो हम लोगों का पार्ट नंबर 18 जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, अब ये सारे पार्ट अभी जितने भी हो रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के, चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में पार्ट 1 से स्टार्ट करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CSSL, CPO, SSC, GDCS, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GT, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने लकड़ी, उसके बाद लिखा है मेज, फिर लिखा है हम लोगों का दरवाजा, कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। करना क्या है, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से बात करेंगे लकड़ी, मेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर आप लकड़ी को कर लीजिए, इस जगह पर अगर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी हो जाएगा, लेकिन आपका डायग्राम बन जाएगा ये, अगर हम लोगों का लकड़ी का हुआ तो कुछ लकड़ी का हम लोगों का क्या बन सकता है, मेज बन सकता है। आपको पता होना चाहिए कुछ लकड़ी हम लोगों का मेज हो जाएगा और कुछ लकड़ी का क्या हो सकता है, दरवाजा हो सकता है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आंसर, कोई ये कर देगा तो कोई वो कर देगा, तो इसीलिए आप अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कुछ लकड़ी का दरवाजा बनेगा, कुछ लकड़ी का क्या बनेगा, मेज बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताने का प्रयास करेंगे। DO, उसके बाद देखा जाए EP, आगे बढ़ेंगे दोस्तों F, फिर हम लोगों के सामने Q, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा GR, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, D से यहाँ से पहला लेटर पे जाइए, D से यदि E पे चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। E के बाद अगर देखा जाए F पे, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। F के बाद G पर चलेंगे तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। G के बाद यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +1। तो G के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, H हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो आपका समझ गया। तो उसी तरीके से और भी देखिए, O के बाद अगर देखा जाए P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। P के बाद आगे बढ़ेंगे Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। Q के बाद आगे बढ़ेंगे तो R क्या हो जाएगा, +1। R के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर H और S आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित नहीं है, यहाँ पर इनमें से क्या है, एक अलग है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर अगर हम लोग देखा जाए कि कौन सा होना चाहिए, तो D सही होगा। क्यों D सही होगा, एक तरीके से अगर आकृति D देखा जाए तो हम लोगों के सामने यहाँ पर एक सिंबल आ जा रहा है जो कि एक प्लस आइकन है, और जो एजेंसी कंडक्ट कराए दोस्तों, अगर आप देखेंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D को क्या दिया है, सही दिया है।
क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का, देखिए एक अलग सिंबॉल, ये भी अलग सिंबॉल, ये भी एक एक मतलब मिलता जुलता हुआ सिंबॉल टाइप में आया, लेकिन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए समझ लीजिए कि इस तरीके का अगर डायग्राम आपको कहीं दिखा तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अलग अलग बुक में देखें, रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया करे, दी गई आकृतियों के नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में से किसमें एक में निहित है वह उत्तर आकृति कौन सी है। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, आंसर फिगर ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, तो चलिए एक बार देखने का प्रयास कीजिए। तो अगर बात करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से अगर हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से और इसी प्रकार से इधर से कर लिया जाए और यहाँ पर कर लिया जाए, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी ये कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसने कहा है कि प्रॉब्लम फिगर जो दिया गया है ये क्वेश्चन वाला, हम लोगों का किस ऑप्शन में अन्य आकृति में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ पर छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया करे, एक ए की माँ जो है एम की बहन है। ये देखिए इस जगह पर लिख देते हैं, ए की जो माँ है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ए की माँ, तो ठीक है सर, ए की माँ जो है वो एम की क्या है, बहन है, तो एम का इसका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है। और एन की क्या है, बेटी है, तो ये देखिए इस जगह पर लिख लिया जाए, यानी एन का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा, तो एन का बेटी महिला जेंडर, तो क्लियर हो गया, एन की क्या है, बेटी है, ठीक है। आर जो है एम की बेटी है, देखिए ये भी क्लियर किया कि आर जो है हम लोगों का एम का क्या है, बेटी है, तो आर जो है एम का बेटी है, महिला जेंडर है, तो माइनस हो जाएगा। फिर आगे देखा जाए बेटिया, और एप का क्या है दोस्तों, बहन है, तो ठीक है, अगर एप का बहन है तो इसका ई बहन कर ले, इसने क्लियर किया एप की बहन है, तो हम लोगों का पूछा गया है एप का एन से क्या संबंध है, तो एप जो है वो एन का क्या लगेगा, तो क्लियर हो गया, एप जो है एन का क्या हो जाएगा, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, पोता पोती भी हो सकता है और नाती भी हो सकता है, देखिए इसका जेंडर क्लियर नहीं, या तो यह पुरुष जेंडर भी हो सकता है, महिला जेंडर भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं क्लियर है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोग क्या करेंगे, पोती या तो क्या कर देंगे दोस्तों, नाती कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे एन का पूछा है, तो इसका जब इसका ही बहन है, तो इसका बहन है, तो ये दोनों क्लियर हो गया कि बहन है, तो इधर से देखेंगे तो पोती होगा या तो क्या होगा दोस्तों, नाती हो जाएगा। दोनों में से अगर क्लियर करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। रिसेंटली पूछा गया, इसीलिए आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। ए की माँ जो है एम की बहन, लेकिन सब चीज दिया, डाटा आपके सामने, बस आपको समझना है, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है ये पुरुष या महिला, तो देखिए ऑप्शन में दिखेगा पोता या नाती, दोनों दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना, असंगत का मतलब चार में से तीन समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पर ना, देखिए कितना भाग में बटा, कहीं से आप कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि इसको ले लेते हैं एक भाग, ये हो जाएगा दूसरा भाग, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पांचवा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा भाग। उसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए एक भाग, दो भाग, ये हो जाएगा तीन, चार, पाँच, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छः। उसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पाँच भाग, ये छः भाग, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए का, तो कहानी यहाँ पर ख़राब होगा। ये देखिए एक भाग मान के चले अगर इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये पांच, इसमें पांचे है, बाकी सभी में कितने भागों में आकृति बटा हुआ है, तो छह भागों में बटा, तो असंगत मिल गया। असंगत कहने का मतलब चार में से तीन समान, तो तीन देखिए समान निकल गया, एक अलग निकल गया, कैसे अलग निकला, क्योंकि इसमें क्या किया उसने, पांच ही आकृति हम लोगों का अंदर में बांटा हुआ है, लेकिन इस सब में क्या है, छह आकृति निकल रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, यदि किस तरीके से उन्होंने डराने का प्रयास किया है कि निम्नलिखित आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा होगा, तो वीडियो को पॉज करना और अपने से ट्राई करना, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको देखना है कि आपको कितना आ रहा है।
तो देखिए अगर बात करेंगे, जैसे देखिए ये फिगर क्या है, इसमें भी है और ये वाला फिगर क्या है दोस्तों, दोनों फिगर यानी कि हम लोगों का शुरू वाला और अंत वाला फिगर क्या है, बीच में है। अगर आप इसको टुकड़ा करके देखेंगे, देखिए बाहर वाला फिगर को निकालेंगे तो ये फिगर आपका बन जाएगा, अंदर वाला फिगर को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला फिगर निकल जाएगा। देखिए ना, आपको एक बात क्लियर हुआ कि दोनों फिगर जो है इसी में है। उसी प्रकार से देखिए ये वाला फिगर की बात किया जाए तो देखिए ये फिगर हम लोगों के सामने यहाँ से निकालेंगे तो एक फिगर निकल जाएगा, ये वाला दिख जाएगा। उसी प्रकार से प्लस आइकन इसमें निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों फिगर इसी में निहित है। तो अगर उसी तरीके का अगर हम लोग पैटर्न को फॉलो करें कि ये वाला फिगर इसमें निहित है, ये वाला फिगर, तो उसी प्रकार से इसमें कौन सा फिगर निहित हो जाएगा, तो ये प्लस वाला आइकन क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। तो क्योंकि ये वाला आकृति तो हम लोगों के सामने देखिए, ये वाला आकृति यहाँ पर दिया गया, ये आकृति, तो इसमें ये नहीं कि ये सटा हुआ कभी नहीं लेना है ना, तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। उसने क्लियर किया लेकिन दोनों आकृति दिख रहा है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं, जो सरासर गलत होगा। अगर किसी ने सी किया तो सरासर गलत होगा। क्यों गलत होगा, उसका भी रीजन हमने बता रहे हैं कि देखिए पहला फिगर जैसे इस आकृति में नहीं था, उसी प्रकार से ये वाला फिगर इस आकृति में दिया गया, उसी प्रकार से देखिए ये फिगर आपको नहीं दिख रहा। अरे काहे नहीं दिख रहा, यहाँ से जब यहाँ पर लेंगे और ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं दिख रहा, दिख रहा है। उसी प्रकार से अगर प्लस वाला आइकन की बात किया जाए, देखिए यहाँ से यहाँ पर छिपा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से बात करेंगे ये वाला फिगर में, तो ये ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों के सामने दिख ही रहा है, तो इसका अर्थ ये वाला आइकन बाहर निकल जाएगा, प्लस वाला आइकन, तो ई गुना वाला, तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा, सी वाला नहीं होगा। अगर आप कर रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए एनालॉजी यानी सदिशता का अलग अलग एग्जाम जो रिसेंटली हुआ है दोस्तों, प्रीवियस सीपीओ सीजीएल एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसीलिए आप अच्छे से देखते चलिए, पार्ट वन स्टार्ट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए इसका संबंध इस तरीके से है तो इसका संबंध क्या होगा, देखिए किस तरीके से डराया, थोड़ा बढ़ा दे दिया, तो बढ़ा दे या कुछ भी दे, उसको करना है तो करना है। यहाँ पर हो जाएगा एम बी आर ए, उसके बाद लिखा है एन और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, ई दिया है। तो उसी प्रकार से आगे देखा जाए एल डी, यहाँ पर लिखा जाए एल ए, आगे बढ़ा जाए तो क्यू जेड, फिर हम लोगों के सामने एम और क्या लिखा है डी। उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो देखिए इसके ऊपर लिख लेते हैं P हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने I V, फिर आगे बढ़ा जाए दोस्तों तो I, फिर लिखा जाए L, फिर आगे हम लोगों के सामने E G और क्या लिखा है दोस्तों E दिया गया। तो इसका आपको निकालना है, देखिए लॉजिक को देखिए ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि M से यदि L पे जाएंगे ना तो यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या क्या उसने माइनस वन कर दिया। E से D पे चलेंगे तो माइनस वन, M से L पे जाएंगे तो क्या करना है दोस्तों माइनस वन, B से A पे चलेंगे तो माइनस वन, R से Q पे चलेंगे तो माइनस वन, देखिए सब में माइनस, A में एक लेटर घटा देंगे जेड हो जाएगा, N में एक लेटर घटा देंगे एम, ई में एक लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। लेकिन देखने से पता चल रहा है कि क्या कर दें आपका आंसर। इसी प्रकार से इन सभी में एक एक लेटर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, घटा दीजिए आपका आंसर। अगर ज्यादा हुआ यानी करने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। पी में एक लेटर आपको क्या करना है, घटाना है। इसमें सब में एक एक लेटर आप आराम से बैठिए एकदम कुर्सी टेबल लगा के और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से सब में क्या करना है दोस्तों, एक एक पी में एक लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और आर में एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर आई में एक लेटर घटाएंगे तो एच हो जाएगा, बी में एक लेटर घटाएंगे तो यू हो जाएगा, आई में एक लेटर घटाएंगे तो एच हो जाएगा, एल में एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने के हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। तो इस प्रश्न की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप एक एक लेटर घटा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को देख लेते हैं। जैसे टीचर का दिया, अर्थ का पूछा जा रहा है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेगा, अलग अलग लॉजिक लगाएगा जो कि हो ही नहीं पाएगा, कितना इंपॉर्टेंट और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे ये देखिए टी ई, उसके बाद ए, फिर हो जाएगा सी एच, हम लोगों के सामने ई और क्या दिया है आर दिया गया। तो अगर इसको लेंगे जैसे तो एल हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाए तो K हो जाएगा, ठीक है, फिर J, J के बाद N, फिर लिखा हुआ है M और क्या लिखा है दोस्तों P लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा गया क्या है हम लोगों के सामने E, A, फिर हो जाएगा R, T, H।
तो इसका आपसे निकालना है। देखिए लॉजिक को देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर मैन इस तरह ई के लिए उसने एम का प्रयोग किया था, ई के लिए आपको क्या लिख देना है एम लिख देना है, ए के लिए क्या प्रयोग किया है तो के का प्रयोग किया है, तो ए के लिए यहाँ पर के कर देंगे, आर के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, देखिए आर के लिए उसने पी का प्रयोग किया तो पी हो जाएगा, टी के लिए क्या प्रयोग किया है तो टी के लिए एल का प्रयोग किया तो एल हो जाएगा, एच के लिए क्या प्रयोग किया है तो एच के लिए उसने एन का प्रयोग किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। अब आंसर निकल गया है, यानी इसका आंसर देखेंगे तो एम के पी एल एन, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी में पूछा गया, इसलिए अच्छे से सॉल्व कर लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वहाँ पर कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा वाले सवाल दिया है, तो चलिए कुछ भी नए डायरेक्शन रहे दिशा रहे सबको कर देंगे, बस अर्थे एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि ऊपर में आपको उत्तर लेना है और नीचे क्या लेना है दोस्तों दक्षिण, और यहाँ पर आपका हमेशा क्या होता है पूर्व होता है, और जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है। छोटा सा लिख दिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो और समझ में हो कि सर ऊपर में उत्तर नीचे दक्षिण, ये हो गया पूर्व ये हो गया पश्चिम। अब चल दीजिए जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे चलेंगे, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लिया जाए इधर पश्चिम की ओर तो पश्चिम की ओर समूह करके निकलता है और 100 किलोमीटर चलता है, तो 100 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं ओर मुड़ता है तो दायां यहाँ तक हो जाएगा, तो इसको हम लोग 100 चला देते हैं, ये कितना हो जाएगा, अच्छा 100 इधर लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, यहाँ पर 100 लिख दिए ठीक है, दाएं ओर मुड़ा है तो दाएं ओर मुड़ा 100 किलोमीटर चला है ठीक है, उसके बाद वह बाएं ओर मुड़ा तो इधर हो जाएगा दाया, यानी कि हो जाएगा ये साइड बायां, और कितना चला हम लोगों के सामने 50 चला है, तो ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 50 चला है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से एक्स अब किस दिशा में, तो एक्स अभी यहाँ पर है तो इस जगह से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से देखा जाए दोस्तों कौन सा दिशा हो जाएगा, तो इधर यहाँ से अगर इस जगह पर क्या करते हैं चार दिशा ऐसे बना लीजिए, प्लस का आइकन दे दीजिए, और यहाँ से ये दिशा अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये सर दिशा हो जाएगा हम लोगों उत्तर पश्चिम, ये दिशा जो इधर जा रहा है तो कौन सा हो रहा है उत्तर पश्चिम हो रहा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर बस बशर्ते आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उसने कह रहा है उसने प्रारंभिक बिंदु से एक्स अब कहाँ है, तो प्रारंभ कहाँ से किया था आपको पता होना चाहिए कि सर प्रारंभ तो इसी जगह से नहीं किया था, अभी यहाँ से अगर इस जगह पर जाएंगे तो कौन सा दिशा था, इस जगह जहाँ से पूछेगा तो वहाँ से प्लस आइकन ऐसे बना लीजिए, तो ये दिशा हो जाएगा हम लोगों का उत्तर पश्चिम, इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि विषम आकृति को चुनिए, विषम का मतलब चार में से तीन समान है एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। यदि जे से यदि हम लोगों का जी पर आएंगे दोस्तों कितना लेटर का वृद्धि या कमी क्या है, तो अगर जे से जी पे आ रहे हैं तो यहाँ पर -3 लेटर का कमी क्या है, उसी प्रकार से जी से एन पे चलेंगे दोस्तों तो प्लस क्या कर दिया उसने 7 कर दिया ठीक है, उसी प्रकार से एस से यदि पी पे आ रहे हैं तो 3 लेटर का कमी, लेकिन पी से डब्ल्यू पे जाएंगे तो हो जाएगा इधर 4 3 7 लेटर का क्या क्या है दोस्तों वृद्धि क्या है ठीक है, आर के बाद अगर ओ पे चलेंगे तो आर से ओ पे आ रहे हैं तो -3 लेटर का ठीक है, और यहाँ से चलेंगे दोस्तों यदि प्लस उसने क्या कर दिया 6 कर दिया ठीक है, उसी प्रकार से ई से यदि आप बी पे आएंगे तो 3 लीटर का कमी, और बी से आई पे चलेंगे तो +7 लीटर का वृद्धि, तो यदि एक बार -3 प्लस 7 लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा, क्यों क्योंकि -3 और +6 किसमें पूछा गया क्वेश्चन, तो बीपीएससी में पूछा गया हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने ये एनटीपीसी जो प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन, पी का अर्थ है भाग, तो जहाँ कहीं पी दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या कर लेना है भाग का प्रयोग पहले इंडिकेट करके लिख लीजिए, क्यू का अर्थ लिखा है उसने प्लस, जहाँ कहीं क्यू दिखेगा तो प्लस, आर का मतलब लिखा है माइनस, तो जहाँ कहीं दिखेगा आर के जगह माइनस, एस का अर्थ उसने लिखा है गुना, तो एस के जगह क्या कर देंगे गुना, अब जो दिया गया है डाटा उसको उठा लीजिए सॉल्व कर लीजिए, 10 तो आर के जगह पर उसने कहा है माइनस लेने के लिए, और इधर हो जाएगा 192 ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी, तो देखिए ना पी कहाँ पर है, पी के जगह भाग दिया है तो पी के जगह भाग हो जाएगा फिर हम लोगों के सामने 48, और S तो S के जगह हो जाएगा गुना, फिर लिखा हुआ है हम लोगों के सामने 48, तो ठीक है सर 48 तो लिख दिए, फिर लिखा हुआ है P तो P के जगह भाग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 96 दिया गया ठीक है, फिर लिखा है Q तो Q के जगह प्लस हो जाएगा, तो 96 और Q के जगह प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसी को ना सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या, पहले काम किसका करेंगे भाग का करेंगे, अगर आपने गुना किया ये सब किया तो गलती होगा,
192 में क्या कर लीजिए दोस्तों, 48 से भाग दे दिए सीधा सा। देखिए यहाँ पर आप सीधा बात कीजिए कि 48 से के बार में जाएगा, तो अगर चार बार में देखेंगे तो 8 चौके 32 कर दो, हाँ चार बार में कट जाएगा, तो इधर चार हो जाएगा गुना का गुना। लेकिन इसमें आपने क्या किया, इसको भाग देकर लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना का, अब 96 में 48 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 48/96। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं इस जगह पर ताकि समझ में आ जाए, 48/96 में क्या कर लेंगे 96, अब प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 1 कर लेंगे। लेकिन आंसर निकल गया, यहाँ पर कटाएंगे तो 48 दुना क्या हो जाएगा 96, ये कट गया, और 2 दुना क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इधर तो कुछ भी नहीं रहा, तो 10 1 11 में से 2 घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 9 निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। मैंने पहले भाग देने के लिए सीखना होगा, तो भाग देने के लिए क्या, 192 में आप ऐसे 48 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 4 बार में आपका कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 4 और फिर 48 दुना 2 दुना 4 ऐसे हम लोग कटाए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर 9 आएगा। फिर भी नहीं समझ पाते जरूर कॉमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों का, कैलेंडर का सवाल दिया गया, तो चलिए कैलेंडर के सवालों को कैसे करते हैं चुटकियों में तो दिखाते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि ये कोड आपको हमेशा याद रखना होगा, 0 336, उसके बाद 146 25, और 0 क्या होता है दोस्तों 35 होता है। अगर इसको आप याद रख ले, ये हो गया दिसंबर, ये हो गया हम लोगों का जनवरी, बाकी सब में फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हम लोगों देखिए ना यहाँ से देखेंगे, इस जनवरी के बाद फरवरी मार्च और उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब अट गया, तो यहाँ तक हो गया। और एक बात इसको भी याद रखना है, जो जो बात हम बताएंगे अगर उसको आप याद कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। एक बात क्या याद रखेंगे तो कि 2000 का जो कोड होगा हमेशा आपको क्या लेना है 6 लेना है, 2000 का कोड हमेशा क्या लेना है दोस्तों 6 लेना है। यही अगर बात करेंगे कि 1900 लिखा रहे तो 1900 का कोड क्या लेना है दोस्तों 0 लेना है, बस इतना ही बात याद रखिए, क्योंकि यही 2 शताब्दी है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है 2000 और 1900 वाला पे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सर जनवरी से और 2000 का 1900 का कोड हो गया, अब हमको क्या करना है, तो अब कुछ भी नहीं करना और अब कुछ रखना ही नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस शुरू का अंक ले लेते हैं, शुरू में दिया है 26, तो यहाँ पर लिख देंगे 26 प्लस का प्लस, उसके बाद जनवरी, तो जनवरी का कोड 0 होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जनवरी के लिए 0 लिखा हुआ है, तो ठीक है जनवरी का कोड 0 हो गया प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे, आखिरी का 2 अंक लिख देंगे, तो आखिरी कोई भी वर्ष रहेगा जैसे 1947 48 50 कुछ भी लिखा रहे, तो आखिरी का 2 अंक लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे, इसमें लीप वर्ष देखें, क्योंकि अगर 1900 से लेकर 1989 तक चलेंगे तो उसमें कितना लीप वर्ष आया, तो कैसे पता चलेगा, तो ये जो 89 देख रहे हैं आखिरी में 4 से उसमें भाग देते हैं, देखिए 4 से आप क्या करेंगे दोस्तों 89 कुछ भी हो सकता है, 89 की जगह 80 82 81 या 50 2 कुछ भी लिख सकता है। अगर 1901 से स्टार्ट करके 1989 तक जाएंगे कितना लीप वर्ष आएगा, देखिए 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दुना 8 ही कट गया, यहाँ पर 9 और 4 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यानी 22 लीप वर्ष है। आप आराम से काउंट कर लीजिए 1901 से लेकर, यानी 1900 से लेकर 1989 तक में क्या हो जाएगा 22 लीप वर्ष है, तो ठीक है 22 लीप वर्ष लिख दिए। उसके बाद ये 1900 का कोड तो अभी बताएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसी को आप जोड़ लीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, इधर 9 2 11 और 6 कितना हो जाएगा, तो 11 और 6 17 करी 7 हासिल रहा है 1, तो 8 2 10 2 12 1 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, लेकिन इसको जोड़ना है तो आसाई जोड़े हैं कि नहीं, तो 9 2 11 11 और 6 जोड़ेंगे 17 के साथ हासिल रहा है 1, 8 2 10 2 12 1 13 क्या आ जाएगा 137 हो जाएगा। 137 में आपको क्या करना होगा, 7 से भाग लगा देना होगा, क्यों 7 से भाग, क्योंकि 7 दिनों का दिन क्या होता है दोस्तों रिपीट होता है, आपको ये बात पता है कि 7 दिनों का दिन जब रिपीट होता है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर बड़ा लिख दिए हैं इसलिए नहीं हो रहा है, 137 इस जगह पर लिख लीजिए और भाग क्या कर दीजिए दोस्तों 7 लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए शेष कितना बच रहा है, तो अगर 7 से भागा दिए हैं तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 7 से 100 क्या हम लोगों का 37, तो 7 एक क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 6 और 7,
तो 7 नमा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 7 नमा 63 पांच बच, अच्छा अच्छा 7 नमा 63 तो 4 बचेगा, अच्छा 4 बचेगा। शेष आपका कितना बचा, भाग दीजिएगा तो आपका शेष कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। इस जगह पर शेष आपका 4 आया। तो 4 कौन सा दिन होगा, आपको पता होना चाहिए कि सोमवार के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं हमेशा, आप इतना सा बात करें सोमवार के लिए 1 होगा। अगर कहेगा कि मंगल, तो मंगल के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, 2। सोमवार को 1 माना है, मंगल 2, बुध 3, तो बृहस्पति क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप सबको ले सकते हैं। तो शेष 4 बचा है, तो ये बात तो हम लोगों का बेसिक हुआ। तो शेष 4 बचा है, इस प्रश्न का आंसर गुरुवार आ जाएगा। देखिए ना, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध का 3, बृहस्पति 4, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। इतने में समझ जाएगा, अगर आप अगर किताब से बनाएंगे तो बहुत ही पेचीदा क्या हुआ है, और अलग अलग ईयर्स में घटाएगा, फिर लीप ईयर्स, तो ऐसे वैसे करके क्या क्या बहुत बड़ा कर देता है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, बस इतना याद रखिए 0336 100 हम लोगों का 46 25 0 35, ये जनवरी से दिसंबर हो गया, 2000 का कोड 6, 1900 का कोड 0, बस इतने में ही प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो शुरू का जैसे 26 डेट दिया है, जनवरी का कोड 0 हो गया, आखिरी का 2 अंक, आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग लगाए, लीप वर्ष कितना है, और 1900 का कोड 0, बस जोड़ लीजिए, 7 से भाग लगाए, जितना शेष बचा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला दिया है, तो चलिए देख लीजिए कथन और निष्कर्ष के सवालों को आप कैसे करेंगे। कह रहा है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाना आजकल क्या क्या आम बात हो गया, तो ठीक है। कह रहा है ड्राइवरों को ये पता नहीं होता है कि उन्हें किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, ये बात हम नहीं कर सकते। कह रहा है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाना आजकल आम बात हो गया, और यहाँ कह रहा है ड्राइवरों को ये पता नहीं होता है, ड्राइवर को पता है कि नहीं, हम ये कैसे कर, वहाँ सिर्फ गलत दिशा में आजकल तो जानबूझ कर लोग इधर से उधर गाड़ी चलाने लगते हैं, कोई भी दिशा में चला सकते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है ड्राइवरों को पता नहीं, तो ये बात हम नहीं कर सकते। हादसा की संभावना, इधर संभावना व्यक्त कर रहा है, ये बात सही कर रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा सर, एक संभावना व्यक्त है, हादसा बढ़ सकती है, यानी इन्हें कि बढ़ कर रहा है कि संभावना बढ़ जाती है, यानी हादसाओं की संभावना अगर गलत दिशा में चलाएंगे तो बढ़ सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संभावना से संबंधित यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए हम लोगों का पॉजिटिव बात कर रहा है इसमें कंक्लूजन में, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही कर देते हैं, जो सरासर गलत होगा, आंसर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि शब्द इधर यूनिवर्सल को इस प्रकार से लिखा, करना क्या इधर एकदम कुछ भी इसमें पेचीदा नहीं है, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। ए एन उसके बाद यू एन आई उसके बाद लिखा है भी ई फिर लिखा है आर एस ए एल, तो यूनिवर्सल जैसे लिखा हुआ, तो इसको आपको क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ए हम लोगों के हो गया, तो ए के बाद क्या ले लेंगे, तो ए के बाद ई हो जाएगा, तो ठीक है सर ई ले लिए, क्योंकि वर्णमाला के क्रम में ए ई उसके बाद हो जाएगा आई, तो ठीक है सर आई, क्योंकि वर्णमाला क्रम में जा रहे हैं ना, बाकी इधर कोई लेटर ए ई आई, आई के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लेना होगा एल, तो ठीक है सर एल को भी ले लिए, एल के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, तो एन को भी हमने ले लिया, एन के बाद हो जाएगा आर हो जाएगा तो आर को भी ले लिए, फिर हम लोगों का एस हो जाएगा तो एस भी ले लिए, उसके बाद यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एल, और ये भी बोला है कि बाएं से दाएं, ये देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर क्या है, बायां, तो बायां हमेशा आपको याद रखना होगा कि बायां इस साइड में होता है और दायां क्या होता है इस साइड में होता है, तो ठीक है सर बायां दायां समझ गए, तो वर्णमाला का जो क्रम किए थे इसको ऐसे बोलना है लेने के लिए ना, यहाँ पर हो जाएगा 1 उसके बाद 2 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 6 7 8 और 9, ये भी बोला है। अब उसने क्या दिया, व्यंजक व्यंजनों को जोड़ना है, यानी स्वर्ण वर्ण वाला को क्या कर देना, हटा देना है, स्वर्ण वर्ण से कोई मतलब नहीं, हमको व्यंजन से सिर्फ मतलब है, तो व्यंजन को ले लेते हैं, तो कौन कौन व्यंजन है, ये देखिए यहाँ से हो जाएगा, यानी 1 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, तो इसको जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 31 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, 5 4 9 9 6 15 15 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 9 31, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सर। इसमें कोई पेचीदा नहीं है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपकी गलती है, लेकिन सीखना होगा समझना होगा, साफ साफ दिया गया कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना, तो व्यवस्थित कर दिए, उसके बाद उसने कहा व्यंजनों को जोड़ना है, जितना व्यंजन उसको जोड़ लीजिए, स्वर्ण वर्ण वाला हटा दिए, यानी कहने का मतलब किसको किसको हटा दिए हम लोग व्यंजन से मतलब है ना,
तो व्यंजन देखिए ये वाला लेना है, फिर ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना, इसको नहीं लेना, फिर 9 को जोड़ना, तो जोड़ दीजिए 31 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं और इसी तरीके देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा ना। उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण, और हमेशा आपको बोलेंगे यहाँ पर आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूर्व पश्चिम। अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने क्या कहा, सी डी दो डाकिया है, ठीक है, और अपने घर से चलना प्रारंभ, सी जो है करे उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो इस जगह से अगर हम लोग सी को स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए ना इस जगह से सी उत्तर की ओर, तो ठीक है अगर हम लोग उत्तर की ओर थोड़ा इधर ही करते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है, गलती हो सकता है ना, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसने साफ साफ देखिए एक बात, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है दोस्तों, चल देना है। तो सी अगर यहाँ से उठा लिए, ठीक है, सी उत्तर की ओर चलता है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर हमको इसको ले लेना है, 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर वह अपने दाई ओर मुड़ता है, तो ठीक है दाई ओर मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर। उसने कहा है कि दाई ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच ये हो गया हम लोगों का सी की स्थिति, इसी बीच डी जो है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है पूर्व की ओर तो यहाँ तक 5 किलोमीटर हो जाएगा, ये पूर्व के लिए 5 किलोमीटर। अब कौन स्टार्ट किया, डी किया, और फिर दाई ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर, दाई ओर मुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, डी आ गया, इस जगह पर क्या आ गया हम लोगों के सामने, डी आ गया। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है कि डी जो है सी के संबंध में कहाँ है, यानी डी जो है सी के संबंध, तो सी का अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने, इस साइड में 2 है तो इस साइड में 2, तो 6 × 2 = 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा सी के संबंध में डी, तो सी के संबंध में डी, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपका CGL CPM स्टाफ क्वेश्चन पूछे गए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, उसने कहा है कि सी के संबंध में डी कहाँ है, तो डी हम लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिण में 8 किलोमीटर, क्योंकि ये 2 किलोमीटर आप भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे लेने के लिए, तो नहीं सर उसको भी लेना होगा ना, सी यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 6 × 2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। अरे ये वाला 2 और ये वाला 6 जोड़ेंगे तो 8 किलोमीटर दक्षिण नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।